हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू य इन्वेस्टमेंट एकेडमी आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं तीन कंपनीज के बारे में बीपीसीएल एचपीसीएल एंड आईओसीएल ये जो पर्टिकुलर वीडियो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज द मेन रीजन बिहाइंड दैट देर इज अ टू मच ऑफ डिमांड इन सोशल मीडिया ऑन दीज थ्री कंपनीज एनालिसिस बिकॉज बहुत सारी न्यूज आती है मार्केट में कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेक डाउन देयर स्टेक इन मोस्ट ऑफ द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इन कमिंग टेन ईयर्स दैट इज वन रीजन वाई वी आर कवरिंग दिस पर्टिकुलर कंपनी और यहां पर बीपीसीएल जहां एक बहुत एग्रेसिवली गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन हो रहे हैं फॉर डायवेस्टमेंट तो वो भी आपको समझ में आएगा कि वैल्युएशन पैरामीटर्स पे ये पर्टिकुलर कंपनी अदर टू कंपनीज के साथ कैसे नजर आती है तो यह सारी चीजें इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं फ्रॉम स्क्रैच ये कंपनीज क्या है क्या मार्केट शेयर्स है कैसे बिजनेसेस है वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे कैसे लगती है रेशियो पैरामीटर्स पे कैसे लगती है क्वार्टर वन एफ आई ट्वेंटी वन के रिजल्ट कैसे आए ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं तो एंड तक ये वीडियो देखिएगा दोस्तों जरूर आपको बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट हो सकता है फ्रॉम इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो अभी आप बोलोगे सर ये कैसी बातें करो अभी तो नेचुरल से गैस सेक्टर के बारे में एनालिसिस किया था तब तो आप बोल रहे थे कि ये बिजनेसिस आर नॉट दैट गुड बट द काइंड ऑफ रेस्पॉन्स टू दीज कंपनीज रिटेल इन्वेस्टर्स का है तो इसीलिए मुझे लगता है शायद डिमांड बहुत ज्यादा हो सकती है तो ऑब्वियसली वी आई विल ट्राई एंड गिव माई कंक्लूजन ऑन दीज थिंग्स टू सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो बट वीडियो का डिटेल एनालिसिस शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि मेरा जो वादा है क्वालिटी कंटेंट का वो मैं पूरा कर रहा हूं आपका वादा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो इस पर्टिकुलर वीडियो को 1500 लाइक्स का टारगेट देके हम चलते हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बीपीसीएल छोटा सा कंपैरिजन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं सो ओवरऑल कंपनी कंपनी ओवरव्यू अगर हम देखेंगे तो BPCL ये जो है लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी ओ एमसी विद मार्केट शेयर ऑफ ट्वेंटी इन एफ आई ट्वेंटी सो ऑयल मार्केटिंग कंपनी मतलब जो कंपनीज पेट्रोल सेल करती है डीजल सेल करती है या फिर एलपीजी सेल करती है तो दैट इज कॉल्ड एज ऑयल मार्केट मार्केटिंग कंपनीज मतलब इन वो मार्केट कर रहे हैं ये प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं सो दे आर कॉल्ड ऑयल मार्केटिंग ट्वेंटी टू परसेंट का मार्केट शेयर है इस कंपनी का इन ओ बिजनेस थर्ड बीपीसीएल थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ़ रिफाइनिंग कैपेसिटी जो भी एंड प्रोडक्ट होंगे उनको पहले रिफाइन करना होगा तो वो रिफाइनरीज भी इस कंपनी के पास है और उसमें इस कंपनी का मार्केट शेयर है हम देखेंगे, उसमें से BPCL. So, ये, इस, इस ये कब हुई थी फॉर्म कंपनी ये हुई थी पीसीएल कंपनी फॉर्म हुई थी अगर मैं हिस्ट्री के हिसाब से देखूंगा तो दिस इज वन ऑफ दी ओल्डेस्ट एनर्जी कंपनी और ऑयल एंड गैस कंपनी हम बोल सकते हैं इन इंडिया नेक्स्ट दैट इज एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल सो एचपीसीएल इज ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी की कंपनी है ना उस कंपनी की सब्सिडरी आप बोल सकते हो लिस्टेड सब्सिडरी है दिस इज सेकंड लार्जेस्ट शेयर ऑफ प्रोडक्ट पाइपलाइंस इन इंडिया इसका जो शेयर है प्रोडक्ट पाइपलाइंस का वो सेकंड लार्जेस्ट है Uh, ये कंपनी का जो मार्केट शेयर है 25% परसेंट है अमंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंड स्ट्रांग मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहां पे कंपेयर टू बीपीसीएल इट इज बिगर देन बीपीसीएल हम बोल सकते हैं एचपीसीएल के बारे में यह कंपनी भी नाइनटीन में फॉर्म हुई थी इन द नेम ऑफ स्टैंडर्ड वैक्यूम रिफाइनिंग कंपनी

डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेसिटी इवन बिगर दैन रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनिंग है उससे भी बड़ी कंपनी है आईओसीएल का अगर मार्केट शेयर की हम बात करते हैं तो फिफ्टी वन परसेंट का मार्केट शेयर है इस कंपनी का इन क्रूड एंड प्रोडक्ट पाइपलाइन दैट इज फिफ्टीन थाउजेंड किलोमीटर की पाइपलाइन है इस कंपनी के पास अवेलेबल है फोर्टी टू परसेंट ऑफ द मार्केट शेयर इज इन पेट्रोलियम एंड ऑइल एंड डुप्लिकेट सेगमेंट इस कंपनी का आईओसीएल दिस ऑल्सो वेरी स्ट्रॉग कंपनी सेकंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर इन पेट्रोकेमिकल्स टू कंपनी फॉर्म हुई थी 1959 में एज इंडियन ऑयल कंपनी सो इंडियन ऑयल कंपनी प्लस इंडियन रिफाइनरीज इनका मर्जर हुआ इन 1964 और फोर और आईओसीएल कंपनी फॉर्म हुई तो अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो बीपीसीएल दीज कंपनी फॉर्म इन नाइनटीन फिफ्टी 1952 दो आईओसीएल इज फॉर्म लेटर ऑन बट स्टिल द मार्केट शेयर ऑफ आईओसीएल इज बिगर दैन बोथ दीज कंपनीज तो यहां पे ये तीनों कम्पनीज कम्पनीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें महारत्न हुआ है समझना चाहिए ओवरऑल नाउ शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखते हैं बिकॉज ये डिस्कशन बहुत ज्यादा रीजन uh, अभी आप लोगों ने देखा होगा बीपीसीएल इस कंपनी का डायवेस्टमेंट का प्लान चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और उस हिसाब से Uh, यहां वैल्यूएशन पे जब एनालिसिस करूंगा वो भी समझाऊंगा तो 52.98 का स्टेक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन बीपीसीएल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल करना चाहता है अभी आप हाँ बोलोगे कि आने वाले 10 सालों में हम जैसे सोच रहे कि ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है या फिर ये नेचुरल गैस सेगमेंट है ये धीरे धीरे बढ़ते जाने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आने वाले देन ंग टू बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग दिस मनी इन दीज कंपनी नो ऐसा नहीं है ब्रिटिश पेट्रोलियम हुआ या फिर एरा जो सऊदी का कम, सबसे बड़ा कंपनी है तो ये लोग इंटरेस्टेड है मैनेज करने के लिए सी एक चीज हमें याद रखनी होगी ये कोई डायरेक्ट शिफ्ट नहीं होने वाला कंप्लीटली ये बंद ही होने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट के हिसाब से गाड़ियां और सिर्फ इलेक्ट्रिक वेहीिकल्स चलने वाले नहीं ये नहीं हो सकता दीज टू थिंग्स कैन को एग्जिस्ट तो वहां पर ग्रोथ लिमिटेड हो सकती है बट जो कैश फ्लोज एक स्ट्रांग कैश फ्लो जनरेट करने की कैपेसिटी इन कंपनीज में है आई डू नॉट फील कि वहां पे कोई प्रॉब्लम होता हुआ नजर आएगा सो so, ये दोनों चीजें को कर सकती है सो so, ऑब्वियसली जहां पे इसका मार्केट शेयर कम होने वाला है और नई नई एनर्जी रिसोर्सेस का मार्केट शेयर बढ़ने वाला है तो वहां पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है बट फ्रॉम अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी कैश रिच कंपनीज हो सकती है आने वाले समय में भी एंड दैट्स वाई एर या फिर ब्रिटिश पेट्रोलियम ये कंपनी इसमें इसमें इंटरेस्टेड हो सकती है तो ये हमने याद रखना चाहिए सो so 52.98% का स्टेक प्रमोटर्स का है बीपीसीएल में 11.95% का स्टेक है एफ का 21.34% का स्टेक है डी का दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड जनरल पब्लिक इज होल्डिंग अराउंड 13.73% ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं ये जून 2020 तक का है so so इसमें बाद में चेंजेस हुए, तो तो वैसे हमें पता चलेगा ये क्वार्टर जब एंड होगा चेंजेसार्डिंग तो एचपीसीएल का जो स्टेक है वो ओ होल्ड करता है इन एचपीसीएल तो ओ की सब्सिडरी है एचपीसीएल आप बोल सकते हो लिस्टेड सब्सिडरी है सिक्सटीन पॉइंट जीरो सेवन परसेंट का स्टेक है डी होल्ड करते हैं ट्वेंटी थ्री पॉइंट एंड जनरल पब्लिक इज होल्डिंग नाइन पॉइंट टू वन परसेंट नाउ कम्स दी आईओसीएल यहां पे जनरल पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा नजर आता है 28.2 परसेंट का जो स्टेक है वो जनरल पब्लिक होल्ड करता है और प्रमोटर यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज होल्डिंग 51.5 परसेंट सिक्स पॉइंट थ्री थ्री परसेंट इज हेल्ड बाई एफ आई आर्स दैट इज फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड थर्टीन पॉइंट नाइन सेवन परसेंट बाई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस कंपनी तो वो होल्ड कर रहे थर्टीन पॉइंट नाइन सेवन परसेंट तो यह ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है इन तीन कंपनीज का एज ऑफ जून दो हजार बीस तो अभी क्लैरिटी ये है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से जो पुश हो रहा है तो वो अपना स्टेक कंप्लीटली खत्म करना चाहते हैं इन बीपीसीएल एंड बीपीसीएल विल बिकम अ प्राइवेटली लिस्टेड कंपनी प्राइवेट कंपनी बट ए लिस्टेड कंपनी तो ये हमें समझना होगा ये कब होगा आई थिंक वी शुड कीप ऑन फॉलोइंग की जो जो न्यूज आ रही है कैसे आ रही है क्या होता है आने वाले समय में लेट्स ऑल सी नाउ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लोगों के हिसाब so, से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट नाइन थाउजेंड करोड़ रुपीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है बीपीसीएल का अभी अगर मैं एचपीसीएल का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखता हूं तो वो थर्टी टू थाउजेंड करोड़ रूपीज का एंड आईओसीएल इज अराउंड एटी थ्री थाउजेंड करोड़ रूपीज दो एचपीसीएल बिगर दैन Uh, हम बोल सकते हैं कि बीपीसीएल बट स्टिल द वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यह बात होती है सो डेफिनेटली बीपीसीएल को ज्यादा वैल्यू मिलती हुई नजर आ रही है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज गवर्नमेंट वॉन्ट टू डाइवेस्ट इट्स स्टेक फ्रॉम बीपीसीएल वो एक सबसे बड़ा रीजन है दैट्स वाई द वैल्युएशन आर लिटिल हाइयर फॉर बीपीसीएल कंपेयर टू एचपीसीएल एंड आईओसीएल अगर मैं करंट पीई रेशो के हिसाब से बात करता हूं करंट पीई रेशो के हिसाब से सो so, 18.75 का करंट पी रेशियो है बीपीसीएल का विजावी एट सिक्स पॉइंट फोर टू एंड आईओसीएल ट्रेडिंग एट नाइन तो आपको समझ में आ गया होगा जो वैल्युएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स ज्यादा वैल्युएशन एचपीसीएल कंपेरिजन में बीपीएसएल को मिला है और आईओसीएल के कंपेरिजन में ऑलमोस्ट टू टाइम्स मिला है तो उसके पीछे का रीजन क्या है तो यह है प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है 52.98 बीपीसीएल 51.11 परसेंट इन 51.5 इन बीपीसीएल प्रमोटर नाउ द हिस्टोरिकल पी देखेंगे मीडियम पी सिंस द लॉन्गेस्ट डेटा विच इज अवेलेबल ऑन मार्केट इंडेक्स में एक्सचेंजेस uh, पे तो वहां पर थर्टीन का हिस्टोरिकल मीडियन पी है फॉर बीपीसीएल तो उसके कंपैरिजन में दिस कंपनी इज ट्रेडिंग एट क्लोज टू फोर्टी परसेंट प्रीमियम ऑफ दी हिस्टोरिकल मीडियन पी थर्टीन पॉइंट सेवन फाइव के हिसाब से अगर हम देखते तो अगर मैं बात करता हूं एचपीसीएल की हिस्टोरिकल पी मीडियन पी जो है एचपीसीएल पॉइंट जीरो टू अभी कितने अराउंड सिक्स पॉइंट फोर टू या सिक्स पॉइंट फाइव के नजदीक तो उसका मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थर्टी थ्री परसेंट नीचे ट्रेड कर रहा है ये हिस्टोरिकल मीडियन पी से सो दैट वन नीड्स टू सी तो यहां पे बिकॉज ऑफ द डायवर्समेंट थिंग कितना फेवर बीपीसीएल को मिलता हुआ नजर आ रहा है अगर मैं आईओसीएल की बात करता हूं तो हिस्टोरिकल मीडियन पी फॉर आईओसीएल टेन पॉइंट वन विज ऑफ करंट पी इज नाइन पॉइंट थ्री फोर तो यहां पे भी ऑलमोस्ट छह परसेंट का डिस्काउंट नजर आ रहा है तो ये आप हमने समझना चाहिए जैसे ही न्यूज अगर आने वाले समय में फॉर एचपीसीएल या फिर आईओसीएल भी आ सकती है तो शायद वहां पे भी ये चीजें वापस इंप्रूव होती हुई नजर आ सकती है हमें तो ये भी आपने क्लोजली वॉच करना चाहिए कि क्या क्या चीजें कहां पे हो रही है नाउ अगर हम रेशियो एनालिसिस करते कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या है कंपनीज के एग्जांपल आर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक चीज याद रखनी होगी ये जो इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो इसीलिए इसके आर के नंबर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जस्टिफाई भी कर सकते हैं वैल्यूएशन को कहीं कहीं पे कंपैरिजन में कंपैरिजन में आई एम नॉट सेइंग जनरल जनरलिस्टिक व्यू मत लीजिए सो so, 8.34 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है बीपीसीएल का अगर एचपीसीएल की बात करूंगा तो 5.45 पॉइंट फोर फाइव परसेंट एंड आईओसीएल सेवन तो यहां पर बिकॉज ऑफ द हाई आरओसी कंपेयर टू अदर कंपिटिटर्स शायद यहां पर एक्स्ट्रा वैल्युएशन या प्रीमियम वैल्यूशन जस्टिफाइड हो सकता है इवन अगर हम हिस्टोरिकल uh, मीडियम भी देखेंगे

ये तो ठीक है आरओ देख लिया बट शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है या फिर रिजर्व एंड सरप्लस है अर्निंग्स है उस उसपे कितना रिटर्न का कमा पाती है नेट इनकम के हिसाब से अगर हम बात करेंगे सो के नंबर भी यहाँ पे बीपीसीएल के इलेवन पॉइंट फाइव थ्री परसेंट के है, दो एचपीसीएल इज आउटस्कोरिंग बीपीसीएल इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट का आर का नंबर नजर आता है इट मीन की इफेक्टिवली जो शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने उसमें HPCL, बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है कंपेयर टू बीपीसीएल अगर हम आईओसीएल के नंबर्स देखेंगे तो इन दोनों कंपिटेटर के हिसाब से उनका नंबर आरोप का कम है दैट इज 9.80 परसेंट नाउ डेट टू इक्विटी रेशियो ये भी इंपॉर्टेंट है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है भाई डेट तो लगेगा कैपिटल रेस करने में और यहां जैसे आप लोगों को पता है बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट भी कंट्रोल करता है प्राइसिंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे भले ही गवर्नमेंट बोले कि हमने डी कर दी है चीजें बट स्टिल द डी रेगुलेशन इज नॉट कंप्लीटली गवर्नमेंट इंटरवीं थ्रू देर अदर ऑप्शन बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप है इन कंपनीज में तो so, गवर्नमेंट जैसे बोलेगा वैसे इनको एक्ट करना पड़ता है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक तो ये भी हमने समझना चाहिए सो डेट टू इक्विटी रेशियो में 1.69 का डेट टू इक्विटी रेशियो है बीपीसीएल का एचपीसीएल एंड 1.32 इज फॉर आईओसीएल अब यहां पे जहां डेट ज्यादा है वहां पे हमने इंटरेस्ट कवरेज देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली वो डेट को सर्विस भी तो करना है बाय पेइंग इंटरेस्ट एंड बाय पेइंग द प्रिंसिपल अमाउंट ऑल्सो जो भी उन्होंने रेज किया है एज अ लोन या बोरोइंग सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर बीपीसीएल इज थ्री फॉर एचपीसीएल इट इज फोर पॉइंट थ्री फाइव तो यहां पर अगर हम आरोप के नंबर देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो के नंबर देखेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेश पीसी बेटर कंपनी कंपेयर टू बीपीसीएल एंड आईओसीएल ऑल्सो बिकॉज फॉर आईओसीएल द डेट टू इक्विटी रेशियो इज वन पॉइंट थ्री टू एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशजन थ्री जीरो नॉर्मली आई ऑलवेज सजेस्ट की कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में लेस देन टू पॉइंट फाइव का अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है तो बेल्स कि भाई कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो ठीक करना पड़ेगा कंपनी को आके तो यहां पे आईओसीएल खराब परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है नाउ ये जो कंपनीज है बीपीसीएल हो एचपीसीएल हो आईओसीएल हो या फिर ये महारत्न कंपनीज या पीएसयूज है दे आर नोन फॉर गिविंग हाई डिविडेंट बिकॉज कैश फ्लो काफी रिच होते इन कंपनीज में तो यहां पर डिविडेंट डी ऑफ बीपीसीएल इज फोर HPCL इज 4.62 परसेंट एंड IOCL इट इज 4.80 परसेंट तो यहां पे ये नंबर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं ये नंबर्स और भी ज्यादा स्ट्रांग थे जब इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर प्राइस जो था वो नीचे था अब जैसे जैसे शेयर प्राइस ऊपर आता जाएगा सो डेविडेंट डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस अगर हम बात करेंगे तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ता 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 जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिविडेंड डील कम होते हुई नजर आ सकती है एक समय पे ये 10 परसेंट के ऊपर भी नजर आते थे डेविडेंट यील्ड बिकॉज द शेयर प्राइस वाज क्वाइट लो एट दैट टाइम सो उस हिसाब से बट वी शुड नॉट गेट मिसगाइडेड बाई दैट बट वन थिंग फॉर श्योर कि ये तीन चार पांच परसेंट काइंड ऑफ डिविडेंड डील देने वाली कंपनी हमें नजर आती है सो so, वहां पे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए कहीं कहीं ये ऑप्शन काफी अच्छे नजर आते हैं तो बीपीसीएल हो एचपीसी आईओसीएल हो फिर अदर पी में पावर ग्रिड हो या एन टीपीसी दीज आर नॉट प्लीज

12 परसेंट की ग्रोथ बीपीसीएल और एचपीसीएल ने दिए एचपीसीएल इज ऑलमोस्ट थर्टीन परसेंट तक गया है एंड आईओसीएल इज टेन पॉइंट एट सेवन परसेंट यहां पे तीन साल की ग्रोथ ऑलमोस्ट टेन टू ट्वेल्व परसेंट के बीच में इन कंपनीज ने दी है पांच साल की ग्रोथ इज वेरी स्लगेज बिटवीन वन पॉइंट फाइव परसेंट टू फोर पॉइंट फोर थ्री परसेंट स्क्रीन पे आपको नंबर्स नजर आ रहे होंगे सो इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने जैसा नहीं है बट ओवरऑल तो इसकी जो ग्रोथ है वो स्लगिश ही रह सकती है आने वाले समय में ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को रिप्लेस करते हुए नजर आ सकते हैं ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो वहां ये ग्रोथ का सेल्स ग्रोथ का चैलेंज तो हमेशा रहेगा दैट्स वॉट आई जेन्यूनली फील लास्ट वन ईयर के अगर आप नंबर्स देखोगे ग्रोथ के वो बहुत खराब है बिकॉज ऑफ द क्वार्टर वी हैव सीन फर्स्ट क्वार्टर जहां पे लॉकडाउन के चक्कर में बहुत ज्यादा हैम्पर हुआ था इनका सेल्स इन कंपनीज का सेल्स अगर नेट प्रॉफिट के हिसाब से मैं बात करता हूं तो लास्ट तीन और पांच साल में तो यहां पे बीपीसीएल के नंबर्स काफी खराब नजर आ रहे हैं तीन साल के रिट जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो माइनस ट्वेंटी परसेंट है आ, पांच साल की माइनस वन पॉइंट नाइन वन परसेंट है दस साल स्टिल इट इज मच बेटर नाइन है बट यहां पे तीन साल में ऑलमोस्ट तीनों कंपनीज की जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो निगेटिव है मतलब एक्चुअली प्रॉफिट नीचे गए इनके बट पांच साल के हिसाब से एचपीसीएलिंग गुड नाइनटीन परसेंट एंड ट्वेंटी वन परसेंट की ग्रोथ है लास्ट वन ईयर इट्स बेटर नॉट टू लुक एट दीज नंबर्स बिकॉज वी हैव सीन वन क्वार्टर ऑफ क्यू वन एफ आई ट्वेंटी वन जहां पर बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही खराब परफॉर्मेंस इन सारी कंपनीज ने दिया हुआ है सो दैट्स वाई इट्स बेटर नॉट टू लुक एट दीज नंबर्स बट प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे सो डेफिनेटली देर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज ऑफ दी गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन लॉट ऑफ दीज थिंग्स तो ये एक इनके लिए चैलेंज हमेशा बना रहेगा वेदर इट इज बीजेपी गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट यूपीए गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट ये चीज मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक हो सकती है सो दैट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड नाउ रिफाइनिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो रिफाइनिंग में जो मार्केट शेयर है वो मैं आपको बताता हूं आईओसीएल इज हैविंग थर्टी market share मार्केट शेयर इन रिफाइनिंग

सो नाउ प्रोडक्ट सेल्स की अगर हम बात करते हैं सो so यहां पे द डिक्लाइन इन प्रोडक्ट सेल्स इन क्यून एफ आई ट्वेंटी इज इन लाइन विद फॉल इन रिफाइनिंग जो आउटपुट्स आए हैं उसके हिसाब से ये सारी चीजें नजर आ रही है सो एज एक्सपेक्टेड ये जर्नी है सारी स्पेसिफिकली uh, बट उसके पहले के अगर आप नंबर्स देखोगे तो वहां पे कुछ पॉजिटिविटी uh, नजर आती है कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर विच वी हैव सीन उ ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आईओसीएल स्कोरिंग गुड अगर हम क्यू थ्री एफ आई ट्वेंटी की बात करते हैं बहुत खराब क्वार्टरिंग मार्जिन के हिसाब से हम बात करते हैं तो फॉर दीज कंपनी थोड़ा सा पुराना डेटा अगर हम देखेंगे तो क्यू वन एफ आई ट्वेंटी में आईओसीएल वॉज हैविंग फोर पॉइंट सेवन यूएस डॉलर पर बैलर बैरल ये उनके मार्जिन ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन एचपीसीएल बिटवीन पॉइंट एट टू पॉइंट एट एंड एट जीरो नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे एंड बीपीसीएल आई थिंक कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा अगर कहीं पर नजर आती है तो बीपीसीएल है फ्रॉम टू पॉइंट एट डॉलर पर बैरल टू थ्री पॉइंट फोर डॉलर पर बैरल ये इनके नॉर्मली ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन रहे हैं फॉर दिस कंपनी वॉट इज जी आर एम वैल्यू ऑफ आउटपुट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कमिंग आउट ऑफ एन ऑयल रिफाइनरी माइनस प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज क्रूड ऑयल तो इसमें इनके जो मार्जिन होते हैं कि ओवरऑल जो वैल्यू आउटपुट वो निकालते हैं माइनस दी कॉस्ट ऑफ दी रॉ मटेरियल जो वो क्रूड लेते हैं ये ब्रेंड क्रूड नॉर्मली लिया जाता है तो वहां से ये सारी चीजें कैलकुलेट होती है सो क्रूड ऑयल आता है देन केमिकल क्रैकिंग प्रोसेस होती है और उसके थ्रू ये रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स निकलते हैं डीजल हो पेट्रोल हो या फिर एलपीजी हो या फर्नेस ऑयल हो ये अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पे नजर आते हैं तो यहाँ पे हमेशा देखना होगा कि ओवरऑल क्रूड की प्राइस कैसी है सो नॉर्मली फोर्टी टू सिक्सटी डॉलर पर बैरल अगर प्राइस होती है ना तो इनके लिए बहुत ज्यादा स्वीट स्पॉट होता है टू हैव हाई मार्जिन ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन अगर एक प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है तो भी इनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज वेस्ट अगर होता है कुछ ऑयल इसमें प्रोसेस में तो वहां पे वो इनके मार्जिन घटाता है तो यहां सिर्फ और सिर्फ एक यूनिलैटरली अगर ग्या, 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 क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा रेंज बॉइंट बाउंड मूवमेंट फॉर क्रूड इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर ऑल रिफाइनिंग कंपनीज मार्केटिंग के लिए शायद उनके फिक्सड मार्जिन uh, हो सकते हैं बट रिफाइनिंग मार्जिन कीप ऑन चेंजिंग सो दैट वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवरऑल सो दोस्तों ये ओवरऑल एक पर uh, आप लोगों के सामने रखने की कोशिश हमने यहाँ पे की है Uh, इसके बावजूद अगर और भी कुछ आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो और इसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई ये स्टॉक का आप एनालिसिस कीजिए ये डिटेल्ड एनालिसिस कीजिए जैसे कि हमारे स्टॉक को मेटर प्लस के सब्सक्राइबर्स है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दोस्तों विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव ऑल आंसर्स अगर वहां पर कुछ क्वेरीज होंगी या फिर वीडियोज भी हम आप लोगों के लिए बना के वहां पर दे सकते सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको काफी नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो जरूर अपने दोस्तों को भी बताइएगा इस चैनल को विजिट कीजिए करने के लिए ये आ, उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलेगा और आ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों सो ये क्वालिटी कंटेंट हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों जय हिंद